हेलो जी। तो यार अभी जो है ना रात के इस टाइम जो है तकरीबन 1:26 हो रहे हैं और हम लोग अभी जो है अपनी कुर्बानी का जानवर लेके अभी आए हैं। लेकिन हम एक चीज़ वहाँ पे भूल गए थे कि हमने इन बकरों को कुछ खिलाना भी है, तो हम इनका खाना वगैरह जो लाना भूल गए थे। तो अभी हम लोग रात के इस टाइम पूरे शहर में ढूंढ रहे हैं कि बकरों के लिए कोई खाना लेके आए, और एक ये दो बच्चे मेरे साथ हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। तो यार अभी का सीन ये है कि मैं अभी ये वाला गाना रिकॉर्ड कर रहा था, ये आपको मेरे पीछे जो है माइक वगैरह नज़र आ रहा होगा, और सडनली मुझे एक मैसेज आता है कि यार नूर आज 6 ना अपने पूछा बाइक पे बैठ के आ जाओ, एक बार मत करो मंडी देखते हैं फिर देखेंगे क्या होती है, देखेंगे फिर सोते पता लगाएंगे। 6 तैयार ना, 6 मंडी आ जाना लेंगे बाइक पे। तो बॉयज़ अभी टाइम हो रहा है तकरीबन 5:30 और हम लोग बस मंडी के लिए निकलने लगे हैं। तो अभी जाकर देखते हैं कि वहाँ क्या हिसाब किताब है, पसंद आ गया तो आज ही ले लेना है, लास्ट टाइम की तरह नहीं करना। लास्ट टाइम जब हम लोग गए थे तो हम ईद की नमाज से कोई 2 पहले लेकर जाते चाहे थे, तो इस दफ़ा वो वाला रिस्क नहीं लेना। और लेट्स गो, अब मंडी चलते हैं तो देखते हैं क्या होता है। अगर मिल गई तो ले लेने हैं या फिर देखने जा रहे हैं। यार तो हम लोग जो है अभी मंडी पहुंच चुके हैं। मंडी तो हम लोग टाइम से पहुंच गए, लेकिन अगर जाते साथ ही बकरा खरीद लिया तो मज़ा कैसे आएगा भाई। तो खैर अभी हमने मंडी में देखा तो वहां पे जानवरों की तादाद इतनी ज़्यादा नहीं थी और हमें भी इतना कोई ख़ास पसंद नहीं आया। तो पूरी मंडी का एक तफसीली जायज़ा लेने के बाद और रेट शेड्स देखने के बाद हम लोगों ने ये फ़ैसला किया कि हम लोग कल दोबारा आएंगे और तब अपना जानवर ख़रीद कर लेकर जाएंगे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। तो यार दूसरा दिन जो है वो शुरू हो चुका है और कल हम लोग जो मंडी गए थे हमें वहाँ से कुछ भी नहीं मिला, उल्टा हमारी गाड़ी ख़राब हो गई और हमें तो लेने के देने ही पड़ गए। और मैं इधर आया हूँ आज ड्राइविंग टेस्ट देने, तो देखते हैं क्या बनता है। और हाँ, बाय द वे ये वही जगह है जहाँ पे मैंने गाड़ी चलाना सीखी थी और मैं आज यहीं पे टेस्ट देने आया हूँ। तो गाड़ी चलाने लगा हूँ, देखते हैं भाई क्या हिसाब किताब बनता है। इधर खड़ी करूँ, तो यार सीन ये है कि अभी जो है मैंने गाड़ी यहाँ पे ला के रख दी है। एक एडवाइस ये है कि अब जब भी ये कोई सरकारी काम करो या कोई टेस्ट दो ना यार, ऊपर आपका ना कोई ताल्लुक ज़रूर होना चाहिए, उसके बिना काम नहीं होता। तो यार लेटेस्ट अपडेट ये है कि आपके भाई ने जो है ड्राइविंग का टेस्ट फाइनली दे दिया। 2 धूप में इंतज़ार करने के बाद फाइनली मैंने टेस्ट दे दिया और अल्लाह का शुक्र है कि मैंने एक भी वो साइड पे फोन नहीं कराई, मैंने गाड़ी जो है वो बिल्कुल सही तरीके से चलाई आराम से। कोई भी ऐसा काम हो तो वहीं ऊपर आपका ताल्लुक लाजमी एक होना चाहिए, एक बंदा आपके पास लाजमी ऐसा होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में इस तरह के काम ऐसे नहीं होते। अब हम लोग यहाँ से जाएंगे वापस घर और फिर आज शाम को हम वापस आएंगे बकरा मंडी, क्योंकि अभी ईद में तो सिर्फ 2-3 रह गए और मेरे ख्याल में अगर हम आज जाएंगे तो हम आज लाजमी बकरा वापस। तो यार लेटेस्ट अपडेट ये है कि इधर जो भी आज हमारे काम वगैरह थे वो सारे अल्लाह का शुक्र है हो गए। अभी अभी मुझे जो है मेरे घर से फ़ोन आया कि वहाँ पे जो है मंडी का प्लान बन रहा है, तो मंडी की तरफ जाएंगे और फिर इंशाल्लाह आज बकरे भी लेकर आएंगे। अगर ट्रू फैन हो ना, अगर तुम मेरे ट्रू फैन हो तो तुम्हें याद होगा ये पहली इंस्टाग्राम वाली वीडियो
और अभी कुछ कुछ तो नहीं, तकरीबन 1.5 साल हो गया, हमने 3 Reasons Why के नाम से एक ब्लॉग किया था, ठीक है, उसका लिंक भी ऊपर ये कहीं डिस्क्रिप्शन में नीचे पता नहीं क्या बोलते हैं वो लोग, ठीक है, वो मिल जाएगा, तो वो भी चेक करना, वो भी हमने यहीं पे बनाया था। तब मैं आया था यहाँ पे गाड़ी सीखने, और आज 1 साल हो गया तकरीबन मुझे सीखते सीखते ही, तो अब मैं वहीं पे अपना जो है वापस टेस्ट देने आया हूँ, और टेस्ट भी मैंने पास कर लिया है, ठीक है, तो गुड वाइब्स। लेटेस्ट अपडेट ये है कि मैं वापस घर पहुँच चुका हूँ, और यार जितनी गर्मी आज मैंने फील किया ना उतनी मैंने पूरी इस गर्मियों में फील नहीं किया। तो अभी हम जो है 1-2 घंटे रेस्ट करेंगे, और असर के बाद उसी दिन शाम 6-6:30 बजे हम लोग जाएंगे मंडी, तो स्टे ट्यून। हेलो जी, तो यार अभी का सीन ये है कि अभी शाम के तकरीबन 6-6:30 हो गए हैं, और फाइनली गर्मी का ज़ोर थोड़ा सा कम हो गया, तो अभी हम लोग जो है यहाँ से निकलने लगे हैं बकरा मंडी के लिए। यार प्लान तो ये है कि हमने जो है इस साल 2 बकरे लेने हैं, हर साल जो है हम लोग सिर्फ 1 ही बकरा करते हैं, लेकिन जो है मैंने वो मना लिया कि अब हम लोग 2 करें, और मेरी ख्वाहिश होती है कि मुझे यार वो राजनपुरी जो होता है ना वाइट कलर का बकरा मुझे बड़ा पसंद है, कोशिश भी होगी कि वो बना लें। बाकी चलो मंडी चलते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि क्या हिसाब किताब है। यार हम लोग जो है मंडी पहुंच चुके हैं, और मुझे जो पहुंच के साथ एक बकरा पसंद आ गया वो ये। हमारे साथ मसब भी आया आज। हाँ जी। हाँ। ये भी आपने बकरा लेने आया? ये बकरा हाँ, लेने दो लूंगा। कौन से कलर का? कलर तो वाइट होगा। दो दस के दो मंडी में क्या लेने आए हो? हम आज बकरी लेने आए हैं, मैंने 2 लेने हैं। मेरे खाली एक मिल जाए तुझे बड़ी बात है। नहीं 2 ही चाहिए। हाथ तो तुमसे लगाया नहीं जाता बकरी? हाँ। लगाया तो जाता है, मैंने अभी बहुत बार हाथ लगाया हुआ है, अभी लगाया तो उन्होंने मुंह खोल के ना मुंह खोल के दांत चेक करने अपने बकरे। मैं ये नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? वो तो मुझे मैं उसको छोड़ दूंगा, ये काम में सही नहीं हूँ मैं। ये सही हो? क्यों नहीं सही? वो भाग जाएगा मुझसे। मैं वीडियो बना रहा हूँ ऐसे, तो इसको प्यार करो ना। मतलब बकरी नहीं है, बकरा है। मतलब ये लेते तुम्हें? ये हरीम के लिए शायद सही। हेलो जी, और दूसरा हेलो तो दिए नहीं किसी ने, मेरे गोबर में पाँव दे दिए मैंने। जब भी मंडी आओ इस बात का जरूर ख्याल रखना है। अब हम जा रहे मसब को घर छोड़ने, और क्योंकि हमने जाना रायवन की मंडी में, हमें यहाँ से कुछ भी नहीं मिला। मसब नाराज हो गया क्योंकि हम इसको नहीं लेकर जा रहे, इसको उतारने जा रहे हैं। तुम्हारे लिए वहाँ से बकरा लेके आऊंगा ना, नहीं कर यार मैं जिदा बकरा लाभ देता। हाँ वो आपने क्यों नहीं लिया? उससे आपने खुद ही रेट पूछना था ना। वो तेरा ही आने आमने क्यों नहीं पता? यार अभी थक हार के हम लोग जो है वो ब्राइवेंट की मंडी में आ चुके हैं, और अब यहाँ पे भी हमें कोई बकरा पसंद नहीं आ रहा। जो भी पसंद आता है उसका यार रेट ही बहुत ज़्यादा होता है, तो देखते हैं कि क्या हिसाब करता है। यहाँ बिस्मिल्लाह करो। डील हो रही है, डील 70-70 में बहुत अच्छा बकरा। बिस्मिल्लाह करो। ये मजदूर 2000 दिखे ही बस अभी से यार। माशाल्लाह से जो है मेरी नानी के घर वालों ने ये 2 बकरे ले लिए। माशाल्लाह यार सीन ये है कि अभी पीछे ना एक बकरा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ गया, और अब उसकी प्राइस तो हमारे साथ उसकी डील डन नहीं हुई, लेकिन अब सीन ये हुआ है कि जब से मुझे वो वाला बकरा पसंद आया ना, मुझे कोई और बकरा पसंद आ ही नहीं रहा। देखते हैं अभी आगे क्या करना है।
यार ये वाला बकरा है मुझे, और ये यार फाइनली हम लोगों ने बकरे ले लिए अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी अब जो है वो बकरों को हम एक रिक्शे वगैरह या किसी पिकअप में लोड कर रहे हैं, और फाइनली अब हम लोग आज घर वापस जा रहे हैं।